तार जुड़े हुए हैं। कैथल के गांव नरड का रहने वाला है आरोपी गुरमेल। जमानत पर वो आरोपी जो है बाहर आया था और साल 2019 में आरोपी ने अपने भाई की हत्या की थी। आरोपी लॉरेंस गैंग से भी जुड़ा हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीते शाम बाबा सिद्दीकी की तीन शूटरों के द्वारा हत्या की गई है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई जिन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया। बाबा सिद्दीकी एनसीपी के नेता जिनकी शूटर ने कई राउंड फायरिंग की जिन पर और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वो तो एक था बाप का। अच्छा। हाँ। अकेला ही था। बहन कितनी है? बहन को नहीं उसका। अच्छा। अकेला ही था। उसका बाप मर गया था। हाँ। वह छोटे का बिठिया दी थी। हाँ। छोटे के ना के आए कि छोरा है कि छोरी। हाँ। अच्छा मैं हूँ भी। अच्छा। पहले भी जेल गया था कुछ साल पहले। पहले भी जेल गया था। क्या मामला था? वो जेल में गया था। उसके नबाई नबाई मारा था। उसके गला था वो जहाँ तक गया था जेल में। तो बाहर आया था जमानत तो बार मामा ने मेरा किसी ने कटाया किसी ने ना कटाया। बेदखल कर रखा जी मन तो चाहे मेरे दौरा तो मना लगे 10-11 साल बेदखल करा ही ना उसने चाहे मेरे दौरा तो उसका गोली काट जो खड़ा करके मना कोई सी नहीं। कोई बात नहीं हुई अभी कोई संपर्क कोई फोन पर। हाँ मैं जो तो दुखी होगी ना कुछ नहीं होंगी बात होंगी ना कुछ होंगी कदे नहीं आंदा तीज नन तुम्हार ना कदे नहीं आंदा हो तो मरता मर रहे मामा उस मर रहे हमारे लेखा मेरे लेखा तो चाह गोली काटी जो उसमें खड़ी करके मन ना कोई सी नहीं उसकी जब मेरी नहीं शर्म देखी उसने फिर मैं के देखूंगी। आप दादी हो? हाँ जी दादी हूँ मैं। खुली देगी तो ज्यादा जानकारी के साथ कैथल से हमारे संवाददाता वीरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र बाबा सिद्दीकी की हत्या मुंबई में की गई। तीन शूटर उसमें शामिल हैं। दो उत्तर प्रदेश के एक हरियाणा का जो है तार जुड़ा हुआ है हरियाणा के कैथल से एक शूटर का। ऐसे में क्या कुछ डिटेल में जानकारी है जो शूटर है जिसका तार कैथल से जुड़ा हुआ है किस तरह का आपराधिक इतिहास उसका रहा है क्या कुछ जानकारी? जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कैथल के तार जुड़े हैं तो ये गुरमेल बलजीत सिंह है। मैं बताना चाहूंगा कि कैथल के गांव नरड का रहने वाला है। 2019 में इसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस दोस्त के भाई की। ठीक है वीरेंद्र आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है तकनीकी दिक्कतों की वजह से। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि बीते शाम एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। कई राउंड गोलियां उन पर चली और लीलावती अस्पताल में उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ा। इन सब के बीच अब सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लॉरेंस गैंग का जो आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर लॉरेंस गैंग का कनेक्शन सामने आ रहा है और ये जो तीन शूटर हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है दो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। एक बार फिर से संवाददाता वीरेंद्र का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। वीरेंद्र जो कैथल का शूटर है उसके बारे में आपराधिक इतिहास उसका क्या कुछ है जानकारी दे। परिवार में कौन कौन है किस तरह से परिवार का बैकग्राउंड है बताएं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो कैथल के गुरमेल का नाम सामने आया है वो कैथल के गांव नरड का रहने वाला है और 2019 में उसने गुरमेल ने एक अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके भाई की हत्या की थी और जिसमें उसने बर्फ तोड़ने वाला सुअर के साथ उसकी हत्या की थी और उसी मामले में वो जेल गया था और 4-5 महीने पहले ये जेल से छूटा था। और अगर बात करिए उसी वक्त जब जेल में बंद था तो लॉरेंस पिस्तौली गैंग के ग्रुपों के संपर्क में आया था और वहीं से इसने इसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो बढ़ गई तो इसी के चलते उनके संपर्क में आने के बाद ही इस हत्याकांड को इसने अंजाम दिया है। और अब गांव में सिर्फ इसकी एक दादी है और एक सौतेला भाई है लेकिन इसके माता पिता की जो है वो डेथ हो चुकी है। जब उसकी दादी से बातचीत की गई तो उसकी दादी ने भी ये बताया कि वो जेल में गया था उसके बाद से घर नहीं आया और क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी वो इन्वॉल्व रहता है और इसकी दादी का ये भी कहना है कि हमने उसको बेदखल तक कर दिया है। जी
बिल्कुल वीरेंद्र, 2019 में जो है मामला सामने आया था, आरोपी ने भाई की जो हत्या की थी, इसके अलावा और भी किन किन वारदातों में नाम सामने आया? चूंकि देखिए अब इस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में नाम आया है, लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ नाम आया है, तो निश्चित तौर पर तमाम जो आपराधिक इतिहास है उसे जानना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए दीपश्री, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, 23-24 साल का ये युवक है और शायद उस वक्त ये पहली इसकी क्रिमिनल एक्टिविटी थी जब इसने दोस्त के साथ मिलके उसके भाई की हत्या की थी और वो उस झगड़े के बाद से ये लगातार 2019 में केस चला, उसके बाद से ये जेल में कैथल जेल में बंद था और जाहिर तौर पर है वहां पर जो क्रिमिनल है उनके संपर्क में आया, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के घुरके वहां पर कैथल जेल में बंद थे उनके संपर्क में आने के बाद बाहर निकलने के बाद इसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो बढ़ गई। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसकी दादी ने भी बताया, ग्रामीणों ने भी बताया कि ये आवारा किस्म का था और उसके बाद से 2019 में जब ये जेल गया था उसके बाद से ये घर नहीं आया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि जमानत पर बाहर चल रहा था गुरमेल और अब ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा